लोगों को समझने की जरूरत है यहाँ पे कि आधा अधूरा भी काम हुआ है राम मंदिर का, उसका उद्घाटन आप कैसे कर दीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठान कैसे कर दीजिएगा। बहुत बड़ा यहाँ पे टीका मार लेंगे तभी हम लगेंगे कि हम पुजारी। अन्य उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, हमारी लड़ाई किससे है, बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई किससे है, भुखमरी से है, हमारी लड़ाई किससे है, अज्ञानता से। काम करने वाली है, जुमलेबाजी की सरकार नहीं है। अभी हमारी टीम मौजूद है गोपालगंज मोड़ जो टाउन हॉल में, बता दें कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आज हुआ है जो कि काफी सफल रहा है। देखा जा रहा था कि यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में एक काफी लंबी भीड़ थी। आइए उसके विषय पे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे पीपी कुशवाहा जी से। बहुत स्वागत है सर जी, धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोता हैं उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब। आज के इस सम्मेलन से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस सम्मेलन से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो ये सत्ता में बैठी हुई सरकार है, भाजपाई दंगाई सरकार, उसको उखाड़ फेंकने के लिए ये सम्मेलन है। और जो बिहार सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इसको जनता तक एक कहें तो हमारे अंतिम जो पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं उनको उन तक पहुंचाने का मकसद से ये सम्मेलन किया गया। क्योंकि आम जनता का मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, और इन मुद्दों पे काम होना चाहिए, अब बेहतर काम होना चाहिए। हम लोगों की जो सरकार है महागठबंधन का, जुमला की सरकार नहीं है, वो कार्य करने वाले की सरकार है। आप देखते होंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, हमारी लड़ाई किससे है, बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई किससे है, भुखमरी से है, हमारी लड़ाई किससे है, अज्ञानता से है, ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान से। सर बेहतर काम हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान करती है? आपको तो आप मीडिया वाले हैं, बेहतर आपको पता होगा। अच्छा काम किया, देखिए अयोध्या में राम मंदिर बढ़िया बेहतरीन। अरे एक बात बताइए, आस्था अपने मन की चीज होती है, आप किसी भी धर्म को मानते हैं मानिए, लेकिन वो नुमाइश की चीज नहीं होती, दिखावा की चीज नहीं होती। क्या हम बहुत बड़ा यहाँ पे टीका मार लेंगे तभी हम लगेंगे कि हम पुजारी हैं? ऐसा नहीं ना सर, ऐसा नहीं होता है। हमारे भी मन में सम्मान है, अरे हम भी पूजा करते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, दिखावा की चीज नहीं होती है। राम मंदिर बना है, अब उसकी हम दिखावटी करें ये सही नहीं है। लोग नेपाल से इसी बहाने तो आ रहे हैं ना, दूसरे दूसरे जगह से आ रहे हैं। अरे आस्था है तो आस्था आस्था में आएंगे नहीं, आप लोग आस्था में उतना नहीं विश्वास रखते हैं। अरे कहे नहीं, हम तो आप ही को अभी बोले ना कि नुमाइश की चीज नहीं है यहाँ पे, हम बहुत बड़ा पट्टी मार के घूमेंगे तभी आप समझिएगा कि हम धर्म को मानते हैं। लोगों को समझने की जरूरत है यहाँ पे कि आधा अधूरा भी काम हुआ है राम मंदिर का, उसका उद्घाटन आप कैसे कर दीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठान कैसे कर दीजिएगा साहब, किसी पंडित जी से पूछिए या धर्म गुरु है उनसे जाकर के पूछिए ना आप कि क्या इसका ये जायज है, ये उद्घाटन समारोह जो हो रहा है, जो दिखावा हो रहा है, क्या जायज है? नहीं, धर्म बताइए, बात बताइए। जब धर्म पूर्ण हो जाता है, घर बन जाता है, तभी तो प्रवेश करते हैं उसमें, तभी प्रवेश करते हैं हम लोग, तभी घर में जाते हैं। और ये तो आधा अधूरा अभी तैयारी हुआ है, फिर भी उद्घाटन चुनाव। इस देश में एक अलग नैरेटिव फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, रोजगार पे बात नहीं होगी, भुखमरी पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी, स्वास्थ्य पे बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी तो बस धर्म को आगे ला करके बच्चों को गुमराह करना, बस यही उन्होंने। बात मंदिर की हो रही थी, एक बात और जानना चाहेंगे, उसकी उद्घाटन किसको करनी चाहिए, मोदी जी को करना चाहिए या किसी शंकराचार्य को करना चाहिए? शंकराचार्य को करना चाहिए, चूंकि धर्म गुरु जो होते हैं वही ना करेंगे, मोदी जी थोड़ी आकर के करेंगे, उसमें कोई पॉलिटिशियन आकर के करेगा। यानी 2024 तक वो तैयारी करना चाहते। अरे वो तो आप तो पहले ही से वही नैरेटिव फैलाया जा रहा है, आपको तो पता ही है कि धर्म में बांट दो। पहले भारत के टुकड़े टुकड़े कौन किए, यानी फूट डालो शासन करो का नीति किसने दिया? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने फूट डालो शासन का ये किया, अब इन्होंने क्या किया कि अब उससे तो काम नहीं चलेगा, अब ये क्या करे, धर्म में बांट, उसी नीति पे ये लोग भी चल रहे हैं, धर्म में बांट करके। हाँ, धर्म में बांट करके काम करो। बिहार सरकार है वो जातीय जनगणना करे, लोगों को जातियों में बांट रही है। अरे गजब, एक तरफ उनके जो नेता मंत्री हैं वो कहते हमने समर्थन पहले किया था, जोर जोर से गला फाड़ के चिल्लाते, आप सुने होंगे, और फिर बाद में कहते हैं कुछ, फिर बाद में कहते हैं कुछ। अरे उनको हर चीज से दिक्कत है। एक बात बताइए, अभी एक सम्मेलन हुआ था यहाँ पे महापंचायत, बाबा साहब को याद कर रहे थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया,
बाबा साहब को याद भी करना चाहिए क्योंकि संविधान में निर्माता है। आज क्या आन पड़ी कि बाबा साहब की वो सम्मेलन कर रहे हैं सिर्फ चुनाव में, अब बाकी चमार है, दुसाद है, कोयरी है, कुहार है, सिर्फ चुनाव में याद आता है हिंदू, ये नहीं होगा साहब, नहीं चल रहा। आजम जी, आज की जो भीड़ थी, आज की जो तादाद थी, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है टाउन हॉल भी भरा हुआ था, टाउन हॉल के बाहर भी हम लोगों ने देखा काफी भीड़। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पे आप लोग आए और इस प्रोग्राम को दिखाने का कार्य किए, और ये हम लोगों का बहुत सफल प्रोग्राम रहा, और हमारे जितने भी 19 प्रखंड के जितने भी अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको हम तहे दिल से शुभकामना देते हैं कि ये प्रोग्राम सफल बनाने में, और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष के विपिन कुमार कुशवाहा जी को हाथों को मजबूत करके इतना भीड़ लाए और ये सब प्रोग्राम को सफल बनाए, इसके लिए मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये है कि कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन है ये, इसमें हमने अपने कार्यकर्ता जी जितने भी हमारे प्रखंड से जितने भी बूथ स्तर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हम लोगों ने बुलाने का काम किया, और इसमें जितने भी हमारे जो सरकार है अभी वो जितने भी कार्य कर रहा है उसको हम लोगों ने उनको जन जन तक पहुँचाने का काम किया कि भाई आप लोग जहाँ भी जाइए चौक चौराहा और जहाँ भी बैठिए आप वहाँ पे उस अपने बात को रखिए, और आपकी जो सरकार है वो क्या कर रही है उसके बारे में आप लोगों को तक पहुँचाइए ताकि लोगों को समझ में आ जाए जो हमारी सरकार है ये काम करने वाली है, जुमलेबाजी की सरकार नहीं है। माननीय स्पीकर महोदय आज नहीं मौजूद हैं, वो देखिए वो स्पीकर साहब हैं और वो प्रोटोकॉल है, वो इसी के लिए नहीं है, वो अपने आवास पे हैं इसीलिए यहाँ पे नहीं आ पाए, प्रोटोकॉल होता है उन लोगों का जी।